तो आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और नया टॉपिक है साम्यवाद और समाजवाद। ये सबसे पहले जानते हैं कि साम्यवाद और समाजवाद होता क्या है। ठीक है, यह एक प्रकार का विचारधारा है, मतलब एक लोगों का सोच है। जैसे लोग अलग अलग टाइप के होते हैं। एक लोग होता है जो कि बड़ी संस्कारी सोच होता है, जैसे कि मार झगड़ा पर इस सब पर विश्वास नहीं रखता है, शांति का भावना रखता है। और एक होता है कि काम सेम करेगा लेकिन लड़ाई झगड़ा करके और उस काम को पूरा करेगा। यही है साम्यवाद और समाजवाद। समाजवाद एक प्रकार का विचारधारा है, यानी इसमें लोगों का सोच आता है कि इसमें कुछ अलग कैटेगरी के लोग रहेंगे और दूसरे में साम्यवाद में अलग कैटेगरी के लोग रहेंगे। यानी कि जब राजतंत्र खत्म हुआ तो उस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी, और औद्योगिक क्रांति के बाद से, ठीक है, पूरा का पूरा जितना भी औद्योगिक क्रांति हुआ, इसमें दो प्रकार के वर्ग बट गए, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। यानी कि एक जिस पर पूरा का पूरा मालिकाना हक फैक्ट्री के मालिकों का होता था, और फैक्ट्री के जो मालिक है वो तो अमीर होंगे, और एक जो उसमें काम करते थे मजदूर, ये दो वर्ग में बट गया। अब फैक्ट्री के मजदूर, फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं वो पूरा काम मजदूरी जबरदस्त करवाते थे मजदूरों से, और पैसा भी कम देते थे। तो इन दोनों में हमेशा लफड़ा रहता था, और आज इसने शुरू से ही अपना पूरा दुनिया दो वर्गों में ही हमेशा लड़ाई हुए। उस समय राजा महाराजा था तो राजा थे, तो उस समय प्रजा से हमेशा लड़ाई रहता था। राजा निरंकुश निकला तो प्रजा उससे ना खुश रहेंगी, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आए तो गरीबों का शोषण करना शुरू किया, ये भी दो वर्ग में लड़ाई हुआ। यहाँ पे हुआ क्या, साम्यवाद और समाजवाद में इन दोनों का मकसद सेम था। इन दोनों का मकसद था कि पूंजीपति वर्ग जो भी हैं, ठीक है, उनको समझाना बुझाना, ठीक है, और कहना कि दोनों एक दूसरे को साथ एक साथ चले, ठीक है। अगर श्रमिक वर्ग मेहनत कर रहा है तो उसको अच्छा से मेहनताना उसको दें, ठीक है, उसे किसी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए। यही है साम्यवाद और समाजवाद, ये एक प्रकार का विचारधारा है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। समाजवाद यानी कि दोनों चाहते थे कि समानता रहे, कभी भी समाज में झगड़ा नहीं है। दो यहाँ दिखाएं कि समाजवाद और साम्यवाद दोनों का एक ही तो लक्ष्य है कि समाज में झगड़ा नहीं हो, किसी भी वर्ग में लफड़ा नहीं हो, समान रूप से रहे, एकता में रहे, एक दूसरे के लिए काम करें। इन दोनों का मकसद था। लेकिन भाई दोनों के लिए मकसद तो समानता का था, लेकिन तरीका अलग अलग था। ये जो थे ये कहते थे कि जितना काम हम कर रहे हैं, मतलब कि क्षमता के अनुसार कार्य, अगर एक मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा सा है तो उसको उसके क्षमता के अनुसार काम दिया जाए, जितना वो काम कर सकता है, और जितना काम कर रहा है उसके अनुसार उसको पैसा दिया जाए। ये था समाजवादियों का सोच। और इनका सोच था कि ठीक है क्षमता के अनुसार काम कीजिए, लेकिन काम के अनुसार पैसा नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा उदंड टाइप के थे। ये बोल रहे थे कि क्षमता के अनुसार काम दीजिए, लेकिन आवश्यकता के अनुसार पैसा दीजिए, जितना जरूरत है उतना पैसा दीजिए। ये इनका सोच था। ये कहते थे कि मान लीजिए कि दो वर्ग में समझौता करवाना है, ठीक है, तो हम लोग राज्य का सपोर्ट ले ले, राज्य हमारा समर्थन करेगा, और जो भी परेशानी होगी हम लोग राज्य सरकार से कहेंगे और वो हमारा समर्थन करेगी, और दोनों में समझौता हो जाएगा, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में झगड़ा होगा ही नहीं। ये बोला कि नहीं, राज्य ही तो सबके जिम्मेवार है, राज्य क्या करता है, ये डायरेक्ट उन लोगों के विरोध में काम करता है। बोलता है कि नहीं, जितना भी पूंजीपति लोगों का मन चढ़ गया है, श्रमिक को दबा रहे हैं, ठीक है, उस सब जिम्मेवार है, तो राज्य सरकार ही उन लोगों को बढ़ावा देता है। यानी पूरा का पूरा दोषी राज्य सरकार है। ये राज्य को समर्थन मानते हैं, ये समझते हैं कि राज्य उनका, राज्य का हम समर्थन है, और ये कहते हैं कि सबका जड़ राज्य होता है। राज्य अगर चाहता तो सब कुछ ठीक करता था, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा पूंजीपति वर्ग को राज्य सहारा देता है, इसलिए ये राज्य को हमेशा के लिए मिटाना चाहता है और ये राज्य का सहारा लेना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्षमता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे पैसा मिलना चाहिए। इसमें हमेशा दो ही वर्ग में लड़ाई होता है, और ये पूंजीपति वर्ग के पूर्ण रूप से विरोध होते हैं। यानी समझ गए साम्यवाद और समाजवाद क्या होता है, दोनों का मकसद सेम है। अगर हम इसको महात्मा गांधी मान लें, यानी गांधी मान लें, यानी कि ये नरम दल के जो नेता थे, तो इसको हम लोग सुभाष चंद्र बोस मान सकते हैं। क्यों मान सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये जो गांधी थे ये नरम दल के नेता थे, ये प्यार से सब सबको चाहते थे, सब कोई समझे, अंग्रेज भी समझे, और ये लड़ाई झगड़ा पर विश्वास, बिना फैटा फैटी किए, बिना लड़े, ये मतलब चाहते थे क्रांति, मतलब कि ये क्रांति होगा ही नहीं, ठीक है। यानी चाहते थे कि अगर अपना हक लेना है तो छीनना पड़ेगा, और ये चाहते थे बैठ के भी तो समझौता हो सकता है। तो यही है साम्यवाद और समाजवाद। उम्मीद करते हैं कि ये काफी अच्छा से समझ में आया होगा। तो अब अगला टॉपिक है हमारा, कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे, जिनको हम लोग समाजवाद के जनक माना जाता है। ये आखिर जो है समाजवाद के ये जो जनक हैं, जैसे कि जिस व्यक्तियों के अंदर भी साम्यवाद और समाजवाद का जो विचार आया था,
ठीक है, वो विचार डायरेक्ट श्रमिक लोगों में तो आएगा नहीं, कुछ ज्ञानी लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, वो उस विचार को फिट करेंगे, उसको डेली कहेंगे कि ये तुम्हारे साथ गलत होता है, तो मेरे साथ आओ और एकजुट होकर हम लोग आवाज़ उठाते हैं। उसी में का एक थे यहाँ पे कार्ल मार्क्स, जो इनके बारे में थोड़ा सा जाने, इनका जीवनी कैसा था थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नगर में हुआ था, ठीक है, एक यहूदी परिवार में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने, ठीक है, इनके पिता का नाम हेनरी मार्क्स था, जो कि पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे, ठीक है। और ये बाद में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया और इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म को अपना लिया। इनकी शिक्षा दीक्षा काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय में थी, बोन विश्वविद्यालय में इन्होंने विधि की शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। और बर्लिन में फिर 1836 में ये वहाँ पे दाखिला लिए, मतलब वहाँ पे पढ़ाई की। यानी कि इनका जन्म जो 5 मई 1818 को हुआ, यानी 18 बरस के और बाद, ठीक है, ये बर्लिन विश्वविद्यालय में थे। और जो लोग थोड़ा सा मतलब कि एक्टिव होते हैं, वो किसी किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते रहते हैं, तो ये बहुत लोगों से प्रभावित थे, मतलब ये बहुत लोगों का बात सुनते थे, ध्यान से सुनते थे, तो ये एक हीगेल थे, उनके विचारों से भी ये प्रभावित थे, और मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो से ये प्रभावित थे, क्योंकि राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास के बारे में इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था, ठीक है। तो उनसे ये काफ़ी प्रभावित थे, ये इतिहास के बारे में भी इंटरेस्ट रखते थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे, और कोई भी कुछ गलत लगता था तो उनको सोचते थे कि हम इसको सुधार करें, ठीक है। कार्ल मार्क्स का सोच ऐसा था कि जो भी दबे कुचले लोग हैं उनको उठाएं, उनके बातों को हम रखें ताकि उनको न्याय मिले, ये कार्ल मार्क्स का सोच था। इसलिए इनको समाजवाद के जनक बोला जाता है। समाजवाद आपको बता चुके हैं, समानता, समाजवाद चाहता है कि सब लोग समान रहें, कोई किसी को दबाए नहीं। श्रमिक वर्ग जो है और पूंजीवाद जो है, पूंजी वर्ग, ये दोनों एक दूसरे में, एक दूसरे क्या होता है तो हम देख सकते हैं कि एक दूसरे लड़ते रहता है। पूंजीवाद चाहता है, जितने भी पूंजीपति लोग हैं हमेशा श्रमिकों को दबाना चाहते हैं, काम करवा लेंगे पैसा नहीं देंगे, तो ये इनको अच्छा नहीं लगता था। अब देखिए, अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये 18 वर्ष के हो गए, इन्होंने क्या किया कि अपना विश्वविद्यालय का पढ़ाई जो भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद से इन्होंने जब ये 25 वर्ष के हुए तो इन्होंने शादी कर ली, अपने बचपन के मित्र जेनी से इन्होंने विवाह कर लिया, यानी बचपन का प्यार आप तो गाना सुने ही होंगे, ठीक है, उससे इन्होंने शादी कर लिया। अब देखिए, शादी के बाद इन्होंने फिर रुके नहीं, हम लोग क्या करते हैं या फिर और लोग, दूसरे लोग देखिए यहाँ पे करते क्या हैं, बच्चा अभी थोड़ा सा सिंसियर होता है तब तक कि वो मतलब प्यार मोहब्बत के लफड़ा में फंसना शुरू हो जाता है, और वो बेचारा रहता है बेरोजगार, ठीक है, तो कहाँ से मिलेगा उसे अपना प्यार, इसलिए बेचारा हो जाता है एकदम लाचार। यहाँ देखिए, इन्होंने पहले पढ़ाई कर लिया, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ले लिया, एक लायक बन गए, फिर उन्होंने अपने बचपन का प्यार, यानी सॉरी बोला जाए यहाँ से देखा जाए, उन्होंने बचपन के मित्र जेनी से शादी कर ली, ठीक है। फिर शादी के ठीक एक साल के बाद, यानी कि 1843, 25 साल के इस समय हो चुके हैं, ठीक है, 1 साल के बाद इनको एक मित्र मिले, ठीक है, पेरिस में इनको एक मित्र से मुलाकात हुई जिनका नाम था फ्रेडरिक एंगेल्स। इनको, इनके मित्र भी कहा जाए तो समाजवाद के काफ़ी समर्थन थे, और इन दोनों का सोच मिलता जुलता था। दोस्त तभी बना जाता है जब सोच मिलता हो, ठीक है, तो इनके काफ़ी एक करीबी और प्रिय मित्र हैं, ठीक है। इन्होंने दोनों ने मिल करके, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, ये दोनों मिल करके एक घोषणा पत्र दिए, उसमें लिखा था कि श्रमिक वर्ग या फिर जो भी दबे कुचले लोग हैं उनको उठाने, ऊपर उठाने के बारे में लिखा था, जिसे समाजवादी घोषणा पत्र बोला जाता था। 1848 में दिया गया, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाया गया, और ये मार्क्स और एंगेल्स ने दिया था, ठीक है। उसके बाद से कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, ये दास कैपिटल पुस्तक की एक रचना की, ठीक है, 1867 ईस्वी में, समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। यहाँ समझिएगा समाजवादियों का बाइबल का मतलब क्या होता है। जो लोग हिंदू धर्म से हैं वो रामायण महाभारत को, मतलब रामायण महाभारत गीता वगैरह पढ़ते हैं, उनसे उनको ज्ञान मिलता है, उससे वो प्रेरित होते हैं, और प्रेरित होने के बाद से उस टाइप का वो काम करते हैं। कुरान में मुस्लिम भाई लोग प्रेरित होते हैं और उस हिसाब से वो चलते हैं, सेम उसी प्रकार ये जो समाजवादियों का बाइबिल माना जाता है, ठीक है, तो समाजवादी जितने भी लोग थे उस चाहते थे कि समाज को कैसे चलाना है, समाज में कोई वर्ग दबा कुचला नहीं रहे, तो उसमें उसका ज्ञान दिया गया था दास कैपिटल पुस्तक में, उसके बारे में लिखे थे कार्ल मार्क्स ने। तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में पूरी जानकारी रही, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।